हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मल सेविंग नीडल से यूनिक टाइप का ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। हमने यहाँ पे नॉर्मल नीडल में 5 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है, टसल्स बनाने के लिए 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है, 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जारी थ्रेड लिया है। नेक्स्ट हमें मीडियम साइज़ के स्टोन रिंग्स लिए हैं और ये बिग साइज़ की बिग होल वाले बीड्स लिए हैं। इस तरीके के बिग होल वाले बीड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। उसके बाद स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज के गोल्डन बीड्स लिए हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं थोड़े से मटेरियल्स को यूज़ करते हुए लगभग 1.5 to 2 आवर्स के अंदर अंदर इजी ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमें साड़ी को पिको कर लेना है। उसके बाद इस टेप और मार्कर से पल्लू पे एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमने एवरी 1 इंच के डिस्टेंस पे मार्क किया है। नेक्स्ट हमने एक नॉर्मल सेविंग नीडल में 4 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। जो ये मार्क किया हुआ है, इसके बैक साइड से हमें पहले नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद सेम प्लेस में से एक बार फिर से नीडल को पास करते हुए एक नॉट बनाना है। नेक्स्ट हमें ये जो हमने स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं, स्टार्टिंग में हमें टोटल 6 बीड्स लेने हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इस नीडल में टोटल 6 बीड्स ले लिए हैं। उसके बाद इन सभी बीड्स को पल्लू के नज़दीक लाते हुए थोड़े से डिस्टेंस पे, जो ये बीड का साइज़ है उतने ही डिस्टेंस में से नीडल को पास करते हुए नेक्स्ट हमें यहाँ पे सिर्फ 3 बीड्स में से एक बार फिर से नीडल को पास कर लेना है और इन सभी बीड्स को नीटली हमें सेट कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से हमें टाइट इन बीड को स्टिच करना है। उसके बाद फिर से हमें 3 बीड्स लेने हैं और इन तीनों बीड्स को भी इन बीड्स के नज़दीक ही थोड़ा सा गैप रखते हुए स्टिच कर लेना है। एक बार फिर से इन तीनों बीड्स में से इस नीडल को हमें दोबारा से पास कर लेना है और इन तीनों बीड्स को भी इन बीड्स के नज़दीक अच्छे से टाइट हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से धागे को खींचते हुए नीटली हमें स्टिच करना है। 3 लाइंस हमने बीड्स 3-3 स्टिच कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें एक स्टोन रिंग, एक बिग साइज़ वाला बीड और एक स्टोन रिंग, इस तरीके से पहले 3 बीड्स इस नीडल में पास करने हैं। उसके बाद ये जो प्लेन राउंड बीड्स हैं, ये हमें फिर से 3 बीड्स लेने हैं, 3 बीड्स इस नीडल में पास करते हुए। नेक्स्ट हमें जो ये बिग बीड का साइज़ है, उतना हमें पल्लू पे डिस्टेंस लेना है। जहाँ पे ये बीड्स, तीनों बीड्स स्ट्रेट आए, यहाँ से नीडल को पास कर लेना है। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें बीड्स स्ट्रेट आने हैं। उसके बाद सिर्फ इन 3 बीड्स में से, जो ये प्लेन राउंड बीड्स हैं, सिर्फ इन तीनों बीड्स में से दोबारा से हमें नीडल को पास कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से स्टिच करते हुए नेक्स्ट हमें फिर से 3 बीड्स लेने हैं। इन तीनों बीड्स को भी हमें, जो ये बीड्स हैं, इन बीड्स के नज़दीक बिना गैप छोड़े हमें पल्लू से नीडल को पास कर लेना है। ये जो बीड्स हैं, एक दूसरे के नज़दीक इस तरीके से आने हैं और इन तीनों बीड्स में से दोबारा से हमें नीडल को वापस पास करते हुए इन सभी बीड्स को अच्छे से टाइट हमें स्टिच करना है। इस तरीके से धागे को खींचते हुए टाइट हमें स्टिच कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें इन बीड्स को फिर से 3 बीड्स लेने हैं। इन तीनों बीड्स को भी हमें इसी तरीके से पल्लू के नज़दीक, इन बीड्स के नज़दीक हमें स्टिच कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें ये जो धागा है, इस धागे को हमें पल्लू के बैक साइड लेना है। उसके बाद पल्लू के बैक साइड हमें 1-2 टाइट नॉट्स बनाने हैं और इस थ्रेड को हमें अच्छे से अटैच करते हुए इसे सिक्योर कर लेना है। 2 नॉट्स बनाने के बाद एक्स्ट्रा ये जो सिल्क थ्रेड है, इसे हम कट कर लेंगे। एक और नॉट बनाते हुए एक्स्ट्रा इस थ्रेड को हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमें फिर से नॉर्मल नीडल में 4 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो नेक्स्ट वाला मार्क है, इस मार्क के बैक साइड से नीडल को पास करते हुए सेम प्लेस में से एक बार फिर से नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है। अच्छे से एक टाइट नॉट बनाएंगे।
और अब नेक्स्ट हमें इस नीडल में जो स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज के बीड्स हैं, ये टोटल हमें 6 बीड्स लेने हैं। इन बीड्स को थोड़ा सा गैप रखते हुए यहाँ से हमें नीडल को पास कर लेना है और इन सभी बीड्स को हमें 2 लाइंस में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें 3 बीड्स हैं, सिर्फ इन 3 बीड्स में से नीडल को दोबारा से हम पास कर लेंगे और इन थ्रेड्स को नीट करते हुए इन्हें नीटली हमें स्टिच कर लेना है। ये जो 6 बीड्स हैं, 3-3 बीड्स की तरह 2 लाइंस बन जाएंगे। फिर से 3 बीड्स लेने हैं, इन बीड्स के नज़दीक से नीडल को पास करते हुए इन बीड्स को भी हमें इन पहले वाले बीड्स के नज़दीक अच्छे से सेट करते हुए दोबारा से इन तीनों बीड्स में से नीडल को हमें वापस पास कर लेना है और इन बीड्स को अच्छे से स्टिच कर लेना है। उसके बाद नीडल में हमें एक स्टोन रिंग, एक बिग साइज बीड स्टोन रिंग, उसके बाद फिर 3 गोल्डन बीड्स, इस तरीके से हमें इन बीड्स को पास करते हुए बिग साइज जो हमने बीड यूज़ किया है उतने ही डिस्टेंस में से पल्लू पे इन बीड्स को स्टिच करते हुए नेक्स्ट वाले ये जो 3 बीड्स हैं, इन तीनों बीड्स में से हमें नीडल को दोबारा से पास कर लेना है और इन सभी बीड्स को हमें नीटली सेट कर लेना है इस तरीके से। नेक्स्ट हमें नीडल में फिर से 3 बीड्स लेने हैं, इन बीड्स को भी हमें इसी तरीके से एक दूसरे के नज़दीक स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है, क्विक एंड ईजी ब्राइडल सारी कुचू डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप 1.5 to 2 hours के अंदर अंदर ईजिली बना सकते हैं। मटेरियल्स भी हमें ईजिली जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं वही मटेरियल्स यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को बनाया है। नेक्स्ट हमें फिर से 3 बीड्स लेने हैं, इन तीनों बीड्स को भी इस तरीके से हमें नीटली सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हमें इस थ्रेड को पल्लू के बैक साइड लेना है और यहाँ पे भी पल्लू के बैक साइड एक दो नॉट्स बनाते हुए हमें एक्सेस थ्रेड को कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से क्विक एंड इजी और भी ब्राइडल सारे कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं, उन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। ये जो बिग होल वाला बीड है, इस बीड में से इस नीडल को हम स्लोली इस तरीके से पास कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे किसी भी बिग साइज बिग होल वाला बीड्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें जितने थ्रेड्स पास हो सके उतने ही थ्रेड्स को यूज़ करते हुए हमें टजल्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमने 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है। जरी थ्रेड के एक नॉट्स में नीडल को पास करते हुए हमें 2 टर्न्स लेने हैं, एक और टर्न लेना है। 2 टर्न्स लेने के बाद एक और टर्न लेते हुए साइड में नॉट बनाना है, अच्छे से एक टाइट नॉट बनाएंगे। और अब नेक्स्ट हमें इन टैजल्स के सेंटर में से सिर्फ इस जरी थ्रेड में से नीडल को पास करते हुए जरी थ्रेड और सिल्क थ्रेड दोनों को हमें एट ए टाइम नीटली ट्रिम कर लेना है। फ्रेंड्स, ये एक टैजल रेडी हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले बिग होल में से इन सिल्क थ्रेड को पास करते हुए यहाँ पे भी हमें एक और टैजल रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, 2 टैजल्स रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से पूरे पल्लू पे हमें वर्क को कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया है। प्लीज़ इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।